الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الكريم وعلى اله واصحابه اجمعين قال الله تبارك وتعالى فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ان الله لا يهدي القوم الظالمين एक कुरान मजीद की आयत है ये जो मैंने पढ़ी है ये सूर कसस की आयत है इसमें अल्लाह ताला ने उन लोगों के बारे में जो लोग रसूल की इतबा रसूल की पैरवी छोड़कर और अपने ख्वाहिशात पे चलते हैं अल्लाह ताला ने उनकी बुराई का जिक्र इस आयत में किया है कि एक आदमी अपनी ज़िंदगी में रसूल की इतबा से रसूल की पैरवी से क्यों मुँह मोड़ता है उसके सामने सच्चाई आ जाती है हक बात उसके सामने खुल करके आ जाता है फिर वो क्यों नहीं मानता है क्यों उससे मुँह मोड़ लेता है वजह क्या है अल्लाह ने इस आयत में बहुत अहम बात बताई और आज भी हम समाज में अगर गौर करेंगे तो बिदात खुराफात रस्म व रिवाज की एक बड़ी वजह मुसलमानों में वो क्या है ख्वाहिशात की इतबा जो अल्लाह ने कुरान की इस आयत में बयान किया है कुरान की आयत में अल्लाह क्या फरमाता है अल्लाह फरमाता है कि फ़िल्म यस लक ए नबी ये लोग जिनको आप दावत दे रहे हो जिनको आप बुला रहे हो अगर ये आपकी बात ना माने आपकी बात मानने से इनकार कर दें फ़ तो आप समझ जाइए अच्छी तरह से अनमा यबीन अम कि ये लोग अपने ख्वाहिशात की इतबा कर रहे हैं और अल्लाह आगे फरमाता है वमन अग़ल तबाह हवा हो उस आदमी से बढ़ के गुमराह कौन होगा जो अपने ख्वाहिशात की इतबा करे ब़ैर हद्म अल्लाह की हिदायत के अलावा अल्लाह की हिदायत छोड़ के अपने ख्वाहिशात की इतबा करे उससे बड़ा गुमराह कोई नहीं और अल्लाह ताला ाल को हिदायत नहीं देता देखिए अल्लाह ने जो दीन दिया है ना वो दीन में सादगी होती है रसूल के जितने आमाल हैं जितने तरीक़े हैं उसमें सादगी है तो नबी के तरीक़े में सादगी होती है और सादगी ही में खूबसूरती है लेकिन जब इंसान रसूल की इतबा से मुंह मोड़ लेता है आम तौर पे लोगों में ख्वाहिशात की इतबा ख्वाहिशात में दो बातें हैं एक तो लज्जत और एक अक्ल परस्ती दो चीज़ें होती हैं लज्जत मतलब उसको अच्छा लगता है अब किसी आदमी का निकाह है आदमी देखता है निकाह में सादगी हालांकि रसूल के अमल में सादगी है और क्या निकाह है सादा सादा थोड़ा सा ढोल होना चाहिए थोड़ा डीजे होना चाहिए थोड़ा बाजा होना चाहिए थोड़ा सा डिस्को होना चाहिए तो उसको लज्जत मिल रही है उसमें लेकिन रसूल की इतबा में वो चीज नहीं है तो एक आदमी जब ख्वाहिशात की इतबा करता है तो रसूल की इतबा से निकल जाता है तो रसूल की इतबा में जो रुकावट बनती है वो ख्वाहिशात की इतबा उसको लज्जत चाहिए लज्जत और दीन हमारा जो है ना वो सादा है और सादा दीन ही खूबसूरती की दलील है दीन में हुस्न है दीन में जो सादगी है सादगी में हुस्न है देखिए जो पहले से हसीन हो उसको मेकअप की जरूरत नहीं पड़ती है मेकअप की जरूरत उसको पड़ती है जो हसीन ना हो खूबसूरत ना हो दीन खूबसूरत है जो नबी दीन देके गए हैं नबी की इतबा में नबी की पैरवी में खूबसूरती है लेकिन आदमी जब दीन में रंग भरने लगता है अपनी तरफ से अपनी तरफ से ऐड करने लगता है अपनी तरफ से जोड़ने लगता है दीन बिगाड़ देता है दीन का जो हुस्न था उसका हुलिया बिगाड़ देता है तो एक तो नबी की इतबा से मुंह फेरने की एक वजह होती है ख्वाहिशात की इतबा और ख्वाहिशात में दो चीज़ें हैं एक तो लज्जत उसको मजा आता है क्या सादा सादा थोड़ा कुछ होना चाहिए मिठाइयां आना चाहिए इसलिए आलिम भी नहीं बोलता है रसम रिवाज के खिलाफ आलिम नहीं बोलता है। क्योंकि उसको बहुत सारे फायदे जुड़े हुए हैं ना अगर वो बोलना उसके खिलाफ शुरू कर दे तो फिर क्या ना पब्लिक निकाल के बाहर कर देगी तो उसको भी मजा आता है कुछ चीज़ें उसके मफाद जुड़ा होता है जो आदमी कुछ खोने की हिम्मत नहीं रखता है ना वह हक के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता है कुछ खोना पड़ता है तो एक ही रसूल की इतबा से मुंह मोड़ने की वजह जो अल्लाह ने कुरान की सहायत ने बहुत अहम बात बताई कि रसूल जो लोग आपकी बात नहीं मानते हैं वजह क्या है नहीं मानने की रसूल की इतबा न करने की वजह क्या है ख्वाहिशात की इतबा ये लोग अपने ख्वाहिशात की इतबा करते हैं और ख्वाहिशात में दूसरी चीज़ क्या है अकल परस्ती मुझे अच्छा लग रहा है एक तो रस्म व रिवाज है लज्जत मजा आ रहा है तो जो मजा आ रहा है वो करना चाहिए रसूल की इतबा में थोड़ा सा रुकावट है तो आदमी को उस पर आने में थोड़ा सा दिक्कत पड़ती है इसलिए वो दीन से थोड़ा आज़ाद रहना चाहता है और दूसरी चीज़ है अकल परस्ती मुझको अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है तो इसलिए सारी विदात वो दीन में निकाल रहा है तो ये दोनों तबके यानी रसूल की इतिबा से मुंह मोड़ने के बाद दो तबके आपको मिलेंगे एक वो जो दुनियादार है वो सारी चीजें रस्म रिवाज के नाम पर सब कुछ करता है और एक वो जो दीनदार तबका है लेकिन ख्वाहिशात की इतबा करते हुए अकल परस्ती की बुनियाद पर वो दीन में सब बिदात निकाल देता है इसने बुरा क्या है भाई उसके दिमाग में क्या आता बुरा क्या है कर लिए तो बुरा क्या इसलिए सवाब कर लिए तो क्या किसी को सवाब पहुंचाना बुरी चीज है तो सवाब पहुंचाना क्या गलत है तो हम अगर जो है ख्वाजा को या पीराने पीर को उनको हम सवाब पहुंचाने के लिए इस साल स्वाब हम हम कर रहे हैं तो क्या बुरा है उसके अकल में ऐसा आ रहा है अक्ल में ऐसा आ रहा है अल्लाह ने क्या कहा फिल्म यस्तजीबू लक ए नबी अगर ये लोग आपकी इतबा नहीं करते तो ये ख्वाहिशात की इतबा कर रहे हैं यानी इनकी अकल में ऐसा आ रहा है इसलिए कर रहे हैं अल्लाह ने फतवा दिया तबाह हवा हो उस आदमी से बढ़ के गुमराह कौन होगा जो अपने ख्वाहिशात की तबाह करे एक तरफ रसूल की तालीम है और एक तरफ इसकी ख्वाहिशात है किसको लेंगे भाई एक तरफ इल्म है और एक तरफ ख्वाहिशात है एक तरफ अल्लाह की तरफ से आई हुई वही है और एक तरफ बंदे की ख्वाहिशात है मुझको अच्छा लग रहा है किसको लेना है च्वाइस इंसान की है अल्लाह ने कहा वमन अदल उस आदमी से बढ़ के गुमराह कौन होगा जो हिदायत के मुकाबले में ख्वाहिशात की तबाह करता है तो एक तरफ हिदायत हिदायत जिसको बोलते हैं एक आदमी के पास जो अल्लाह की तरफ से इल्म आया उसकी इतबा करें यह हिदायत है लेकिन आदमी इल्म को छोड़ करके ख्वाहिशात की इतबा कर रहा है इससे बड़ा गुमराह कौन होगा और अल्लाह ने जब रसूल के बारे में कह दिया हवा इन हुआ इल्ला वही रसूल जो कुछ कहते हैं वो अल्लाह की तरफ से वही होती है तो रसूल ने जो कह दिया जो रसूल की तालीम है वही इल्म है अल्लाह की तरफ से आया हुआ अब बंदा रसूल की तालीम छोड़ करके अपने ख्वाहिशा की इतबा करे तो गुमराह है तो इस आयत में अल्लाह ताला ने जो बहुत अहम बात बताई कि आज भी समाज की अक्सरियत जो गुमराह हुई रसूल की इतिबा से हटी वो ख्वाहिशात की इतिबा करती है मेरी अकल में ऐसा आ रहा तो अच्छा है आप जितनी बिदात देखिए सब उसमें अकल शामिल है कोई दलील नहीं है फर्ज नमाज के बाद इज्तिमाही दुआ है आप पूछो भाई नबी साबित नहीं है नबी ने पूरी जिंदगी कभी इज्तिमाही दुआ नहीं किया एक भी कहीं दलील नहीं है कि फर्ज नमाज के बाद आपने इज्तेमी दुआ तो आदमी बोलता कर लिए तो क्या बुरा है उसको अच्छा अच्छा लग रहा है भाई हम दुआ नहीं मांग सकते इमाम साहब मांगेंगे तो उनके पीछे हम भी मांग लेंगे तो क्या बुरा है उसकी अकल में आ रहा है ऐसे सारी बिदात जितनी बिदात सबके पीछे अकल है अल्लाह ने कहा कुरान में आशा अन तक रहैन लकुम हो सकता है तुमको कोई चीज़ अच्छी लग रही हो और वो बुरी हो और हो सकता है तुमको कोई चीज़ बुरी लग रही हो अच्छी हो तुम नहीं जानते अल्लाह जानता है अल्लाह ने इल्म भेजा है हमको इल्म की इतबा करना है तो बहुत अहम चीज़ है इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी में रसूल की इतबा करना चाहिए रसूल की इतबा में खैर है रसूल की इतबा में निजात है जहाँ रसूल की इतबा से बंदा हटा वो अपने ख्वाहिश की इतबा कर रहा है ख्वाहिशात के पीछे चल रहा है तो आज भी समाज में चाहे वो रस्म व रिवाज हो और चाहे वो बिदात हो दोनों में ख्वाहिशात की इतबा है एक में अक्ल परस्ती है और एक में लज्जत परस्ती है अल्लाह हम सब लोगों को रसूल की इतबा करने की तोफीक दे और रस्म और खुराफात बिदास से बचने की तोफ़ी दे आमीन तक ऐसे ही फायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताबो सुन्नत की तालिमात को आम करने में हमारा ताउन करे ताकि आपके लिए जरिया नजात जन्नत के हसूल का सबब साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने आमीन खैरन